यहाँ खड़े हो जाओ सीधा मैसेज कर एक बार और आ जाओ देख। आज स्वामी जी की समाधि पे आपने मत्था टेका है, क्या कहेंगी समाजवादी पार्टी में आने के बाद? पहले तो मैं परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में मत्था टेकने आई हूँ, उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। जो परम पूजनीय त्याग मूर्ति जिन्होंने घर घर दीप के पढ़ाई के शिक्षा के दीप जलाए, उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और समाजवादी पार्टी में मैं आई हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की सकारात्मक सोच, उनकी नीतियाँ, उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं समाजवादी पार्टी में आई हूँ। और मेरी समाज भाजपा से छला हुआ महसूस कर रही है और मुझे भी छला हुआ महसूस हो रहा है। और जो समाज मुझे मेरी समाज को भाजपा में सम्मान नहीं मिला और मुझे आशा है वो समाजवादी पार्टी में मिलेगा। बहुत बढ़िया। अगर टिकट मिलता है तो क्या विशेषताएं रहेंगी और क्या प्रमुखताएं रहेंगी इनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मिलता है तो सबसे पहले विशेषता मेरी ये है कि स्वामी जी को भारत रत्न दिलाना है और राठ को जिला बनाना है और महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाना है। मैडम, बेरोजगारी जैसे कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप क्या करेंगी? बेरोजगारी जब तक ये सरकार रहेगी तब तक बेरोजगारी रहेगी और हमें बदलाव लाना है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जब तक अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे तब तक ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता। महंगाई से बहुत परेशान है चाहे हमारे किसान हो, ये सरकार किसान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, इसमें किसी भी किसान को कुछ नहीं मिला और खाद की लाइन में लगे खाद के लिए किसानों की जान चली गई और किसी की सुनवाई नहीं हो रही इसमें। और यही हम लोगों को मुद्दा उठाना है कि जब तक बाबा की सरकार रहेगी तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा लोकतंत्र खतरे में है और हम लोगों को एकजुट होकर समाजवादी खिलाफ समाजवादी को पार्टी को जिताना है और भाजपा को हराना है। बहुत बहुत।